हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल। वेलकम बैक फिशर क्रीम हॉबी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक DIY ओवरहेड सम फिल्टर पार्ट टू। पार्ट वन में हमने बताया था कि किस तरह से आप ओवरहेड सम सिस्टम को बना सकते हैं, किस तरह से उसमें ड्रिल कर सकते हैं। पार्ट टू में आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने ओवरहेड सम सिस्टम का सेटअप कर सकते हैं, किस टाइप के टैंकों में इसे यूज़ करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में हम इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे कि इसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी है। इसके रिव्यू के ऊपर 15 दिन के बाद एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है और किस तरह से हम इसे सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सम सिस्टम। इसके बाद चाहिए हमें दो एल्बो, ये आधा इंची में। इसके बाद एक वाटर कंट्रोलर, ये भी आधा इंची की फिटिंग में। एक टी फ्लेक्सिबल पाइप, इसके बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप का जॉइंटर जो किस तरह से पाइप को जॉइंट करने काम में आता है। एक ब्लेड कैंची, इसके बाद दो ग्लास के पीसेस। ये हमारे स्टैंड हैं सम सिस्टम के ऊपर। इन्हीं के ऊपर फिल्टर हैंग होगा एक्वेरियम में। ये 8 mm के हैं क्योंकि ये वज़न वाली चीज़ है, पानी भर के इसमें और भी वेट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 mm यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये स्पंज, इसके बाद ये हैवी PPI वाला स्पंज, इसके बाद आपको इस तरह की टोकरी चाहिए, इसके बाद हमारा फिल्टर मीडिया सेरेमिक रिंग, हमारा एक्टिवेटेड कार्बन और बायो बॉल्स, एक कटर, इसके बाद वाटर पंप। ये 18 वाट का है, मेरे पास पुराना पैंप पड़ा हुआ था, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एल्फी, इस तरीके का PVC पाइप, ये 1 फिट का पाइप था, इसमें से आपको पीसेस करने हैं। इन सभी सामान की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपने सम सिस्टम को इंस्टॉल करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके की बकेट चाहिए, ये नॉर्मल बकेट है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। इसमें से आपको ये वाला पोर्शन काट के इस फिल्टर के साइज़ का, देखिए मैं आपको थोड़ा पास से यहाँ से, इस फिल्टर के साइज़ का आपको जाली काटनी है ताकि इसके अंदर वो फिट हो सके। मैंने पहले से ही काट रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, देखिए इस तरीके की, जिससे कि ये इसमें ईजिली फिट हो जाए इस तरीके से। तो आपको ये 3 काट लेनी है, 1, 2, 3, क्योंकि इस चैम्बर से हमारा वाटर इन होगा और इस चैम्बर से आउट होगा, तो इन दोनों चैम्बरों में इसकी जाली की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होगा इन 3 चैम्बर में, तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। तो मैंने 3 काट लिए पहले से, ये देखिए। इसके बाद आपको ये पाइप चाहिए, इस पाइप के आपको छोटे छोटे पीस काट लेने, देखिए इतना बड़ा, करीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम, इतना बड़ा पाइप काट लेना है, जिससे कि हम जब इसे यहाँ पे लगाएंगे इस जगह पे, तो इसके ऊपर जाली ये हैंग हो सके। तो आपको छोटे छोटे इस साइज़ के आपको 12 पीस काटने हैं, मैंने पहले से काट रखे हैं, ये देखिए। इस साइज़ के आपको पाइप के 12 पीस काट लेने हैं, ये 12 हैं क्योंकि 4 इसमें लगेंगे, 4 इसमें और 4 इसमें, इस हिसाब से। चलिए अभी इसे जल्दी से फिक्स करते हैं। ये हमें चारों कोनों पे फिक्स करना है अपने फ़िल्टर में। इसे हम एल्फी की मदद से चिपकाएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ भी चिपकाने से पहले इसे एक बार अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा कि अंदर सिलिकॉन के कुछ पार्ट ना रह गए हों, जिससे कि हमारे एल्फी की ग्रिपिंग प्रॉपर ना बन पाए और ये बाद में छूट जाए। तो इसलिए आपको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लेना है कि कोई भी ऐसा लिक्विड वाला प्रोडक्ट, लिक्विड वाला केमिकल ना लगाओ अंदर, कि जिससे एल्फी की पकड़ ना बने और हमारे जो इसमें सपोर्ट लगा रहे हैं वो ढीले ना रह जाए। देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको बाहरी एल्फी लगानी है, शीशे पर अंदर करके मत लगाइएगा। इसके बाद दूसरा पीस, ये इस तरह से हमें चारों कोनों पे लगा लेने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं। आप इसे सिलिकॉन से अगर लगाना चाहें तो सिलिकॉन से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एल्फी से थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिलिकॉन से थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में, इसलिए हम एल्फी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये लगा लेना है, देखिए 4 इधर 4 इधर 4 इधर। अब क्या है, जब आप ये नेट इसके अंदर डालेंगे तो ये इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने से जो इसके ऊपर
स्पंज का प्रेशर रहेगा, वाटर का प्रेशर रहेगा, गंदगी का प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से जो आपके ये कॉलम है, जो ये उठा हुआ कॉलम है, देखिए ये जो उठा हुआ गिलास है, इसके अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी, पानी जाता रहेगा, ब्लॉकेज नहीं होगी अगर आप बिल्कुल इससे चिपका के स्पंजेस को रखेंगे, अगर आप ये नेट यूज़ नहीं करते तो बहुत जल्दी स्पंज ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि पानी का जाने का रास्ता यही है और यहाँ पर पूरी गंदगी जमा हो जाएगी, पानी चौक होना शुरू हो जाएगा, फिर ओवरफ्लो होकर पानी निकलने लगेगा। इसकी वजह से आप ये यूज़ करेंगे तो गंदगी इसी के ऊपर ट्रैप होगी और नीचे पानी जाता रहेगा और ये एरिया ब्लॉक नहीं होगा, जो हमारा पानी को आगे सर्कुलेट करने का एरिया है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो चलिए अब ये सभी उनमें लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से जाली आएगी, देखिए शायद आपको दिख रही हो, इस तरीके से ये नेट आएगा। अब तीनों फटाफट लगा देते हैं। ये देखिए हमारी तीनों जाली आ गई हैं। अब इनके ऊपर हम स्पंज सेरेमिक रिंग एक्टिवेटेड कार्बन डाल के इन्हें प्रॉपर फिक्स करेंगे। अब हमें इसमें प्लम्बिंग करनी है। प्लम्बिंग करने के लिए हमें एक इस तरह कंट्रोलर चाहिए, एक टी चाहिए, दो एल्बो और एक पाइप, इसकी मदद से हम इसमें प्लम्बिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला सेक्शन हमारे इससे पानी एक्वेरियम में इन होगा। तो फ्रेंड्स हम इसे कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद ये वाटर कंट्रोलर, जिससे कि हम प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें कितने प्रेशर में वाटर चाहिए, कितने प्रेशर में नहीं। और उसके आगे फिर ये रहेगा और इसके आगे एक छोटी सी नली रहेगी, जो कि ये चीज़ हमारी सीधा पंप से कनेक्ट होगी, जिससे कि पानी फिल्टर में आएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए आपको छोटे इस पाइप के छोटे छोटे पीस काटने हैं। देखिए मैंने पहले से ही काट रखे हैं। इन्हें सभी को आप सॉल्वेंट की हेल्प से आपस में जोड़ सकते हैं, बट मैं इसमें सॉल्वेंट की हेल्प नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना प्रेशर नहीं है कि ये लीक होगा। हम इसे ऐसे ही फिट कर देंगे ताकि अब जब आपको जब भी इसे निकालने की ज़रूरत हो या रिमूव करने की ज़रूरत हो आप ईज़िली निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पाइप इस हिसाब से काटना है कि इसके अंदर भी पूरा चला जाए और इसके अंदर ही पूरा चला जाए, मतलब ये दोनों चीज़ें इस तरह से चिपकी हुई हों इस तरह से। तो चलिए मैंने इनके कुछ छोटे पीस कर रखे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें आपको फिक्स नहीं करना है क्योंकि जब भी आप इसकी सफाई करेंगे तो आप इसे ईजिली इस तरह से निकाल के अपना सब सिस्टम अलग कर सकते हैं और अपनी प्लम्बिंग को अलग कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्वेरियम से हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आपको ये छोटा सा पीस इस तरह से, आपको कोई भारी चीज़ ले लेनी हथौड़ा या लाइके, इससे धीरे धीरे मारना है, ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है, पीछे कांच भी टूट सकता है, जिससे कि ये फिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपको ये एल्बो जोड़नी है, इस पर भी आपको धीरे धीरे मारना है। देखिए इस तरीके से अब ये दोनों ही अच्छे से सील हो चुके हैं, अच्छे से लग चुके हैं। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसे निकालेंगे कैसे, तो आपको इसे सिंपली इस तरह से खींच के निकाल लेना है, ये लीक नहीं करेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप ज्वाइंट करना चाहते हैं ज्वाइंट भी कर सकते हैं, बट मैं ज्वाइंट करने की सलाह नहीं देता क्योंकि आपको ये रिमूव भी करना है आगे चल के, इसे सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा ठोक के ये कर दिया। आप इसे अभी आपके अकॉर्डिंग कहीं भी मोड़ सकते हैं, इधर चाहें आप इधर मोड़ना चाहें इधर मोड़ सकते हैं, इधर मोड़ना चाहें इधर मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी। तो ये हो गया। इसके बाद फिर एक छोटा पीस लेंगे इस तरीके का और ये यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से पुश कर देंगे। और फ्रेंड्स आपको इसको लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इसका कंट्रोलर है, इसका जो ये पैनल है, ये आपको नीचे की तरफ नहीं रखना। नीचे की तरफ अगर आप इसे ऐसे रखेंगे, देखिए मैं इस तरह से, तो आपको जब इसे कंट्रोल करेंगे तो ये पानी में चला जाएगा, जो कि थोड़ा ऑड लगेगा। तो आपको इसे इस तरह से करना है दूसरी तरफ कि आप इसे अगर कंट्रोल भी करें तो इस तरह से ऊपर नीचे मैनेज हो सके, या आप इसे इस तरीके से ले लीजिए कि ऊपर ऊपर ही रहेगा, दिखाई नहीं देगा। तो आप इसे इस तरह से ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ये देखिए साइड में ही रहेगा और दिखाई भी नहीं देगा, कोई परेशानी भी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये लगाना है, आपको इसे सिंपली लगा के अच्छे से इसे भी ठोक देना है। ये देखिए अब ये भी हार्ड हो गया, निकलेगा नहीं। देखिए इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिक्स करना चाहे तो फिक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर बात है। इसके बाद फिर ये छोटा पीस आपको एक और काट लेना है और ये आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद ये नीचे की तरफ करके इस तरीके से, देखिए इसे निकाल के आपको ये इस तरीके से लगाना है। अब इधर के लिए भी एक छोटा सा पाइप चाहिए जिससे हम अपना कनेक्टर लगाएंगे। अब हमें ये कनेक्टर लगाना है जिससे कि हमारा फ्लेक्सिबल पाइप जॉइंट होगा और जिससे इसमें कनेक्शन आएगा वाटर का। तो यहाँ पे भी हमें छोटा सा पाइप एक काट के लगाना है। आपको इतना बड़ा ही छोटा पाइप काट लेना है जो कि आपको यहाँ पर फिक्स करना है इस जगह पर।
इस जगह पे। अब आपको भी ये इसी तरह ठोक लेना है। इसके बाद ये यहाँ पे जॉइंट होगा, ये देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया। अब आपको यहाँ पे इस तरह से लगा के यहाँ पे इसके चारों तरफ एल्फी डाल दें, जिससे कि ये सील हो जाएगा, वाटर लीकेज नहीं होगा। तो चलिए इसमें एल्फी डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एल्फी डाल दी। अब यहाँ से वाटर लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी हमें। और इसके बाद हमारा ये फ्लेक्सिबल पाइप ईजली यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ये देखिए। और इससे हमारा कनेक्शन आ जाएगा पंप से। तो इस तरह से आपको ये प्लम्बिंग करनी है, देखिए इस तरह से रहेगा ये। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इसे वर्क करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपको अगर फोर्स ज़्यादा लगता है तो आप इसे डाइवर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको भी एक्वेरियम में ही दिखाऊंगा किस तरह से आपको ये डाइवर्ट करना है फोर्स। अगर आप प्लांटेड रख रहे हैं, छोटी फिशेज रख रहे हैं, गोल्ड रख रहे हैं, तो फोर्स अगर ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये सब मैं आपको अभी एक्वेरियम में जब इसे इंस्टॉल कर दूंगा तब बताऊंगा। इसे हम निकाल देंगे इस तरह से। इसीलिए फ्रेंड्स मैं इसे फिक्स करने के लिए मना कर रहा हूँ कि आप इसे अगर फिक्स कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं और आप इसे फिर ठीक से कहीं रख नहीं पाएंगे। अभी क्या है, आप इसमें निकाल के इसे आराम से रख सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं कुछ। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये टी हम लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इनपुट में, जहाँ मुझे इसका सॉकेट नहीं मिला ड्यू टू COVID-19, क्योंकि मेरे यहाँ अभी तक पूरी दुकानें नहीं खुल रही हैं और पूरी तरह सप्लाई नहीं आ रही। तो इसमें एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सॉकेट आता है, जो कि यहाँ पे कस के इसके अंदर लग जाता है। तो मेरे पे नहीं तो मैं भी इसे सिंपली एल्फी से सील करूँगा इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें स्पंज, बायोबॉल, एक्टिवेटेड कार्बन, सारे में रिंग इंस्टॉल करते हैं और इन सब के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है कि इन्हें किस तरह से हम अपने एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं दो तरह के स्पंजेस यूज़ कर रहा हूँ, एक कम PPI का, एक हैवी PPI का। तो सबसे पहले हम याला स्पंज लेंगे। देखिए दो पार्ट में है, इतनी बड़ी लेंथ काट लेनी है जितना बड़ा आपका चैम्बर है। तो सबसे पहले हम एक इस पोर्शन में लगा देंगे इस तरह से। आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये लूज़ ना काटेगा, थोड़ा टाइट रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक इस पोर्शन में लगा देंगे और इसके बाद एक इस पोर्शन में। इस तरीके से आपको लगा देना है। देखिए नीचे यहाँ से वाटर फिल्टर होके यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ से फिल्टर होगा और यहाँ देखिए इसके नीचे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, इसीलिए आपको मैं जाली यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद हम यूज़ करेंगे बायोबॉल्स इस तरीके से। आप इसे ओपन करके भी डाल सकते हैं बट मैं इसे नेट में यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सेरेमिक रिंग, ये 1 kg का बॉक्स है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्टिवेटेड कार्बन। देखिए मैंने इसे आधा नेट में कर लिया है, इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। और इस चैम्बर में हम ये स्पंज यूज़ करेंगे। देखिए इसके बाद हम इसमें ये स्पंज यूज़ करेंगे। और ये जो दो पीस बचे हुए हैं ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने सेरेमिक रिंग डाल चुके हैं, बायोबॉल्स हो गया और हमारा मैकेनिकल मीडिया, केमिकल मीडिया, बायोलॉजिकल मीडिया और मैकेनिकल मीडिया, तीनों ही तरह के मीडिया हमारे फ़िल्टर में है। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको फ़िल्टर कैसा लगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें अपना टॉप कवर हटाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताए थे 8 mm के मैंने सपोर्ट के लिए, मैंने मेरे एक्वेरियम में ये ऑलरेडी पहले ही लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे एक्वेरियम में पहले ही लगे हुए हैं। इसके नीचे देखिए एक सपोर्ट दे रखी है, ये एक गिलास है, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक गिलास है दोनों तरफ, तो ये ऑलरेडी सपोर्ट दे रखी है। तो इसके ऊपर हम रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये किस हिसाब से किस डायरेक्शन में लगाना है, देखिए आपको अपने फ़िल्टर की हाइट उतनी ही रखनी है जितने आपके टॉप, मान लीजिए आपका यहाँ से लेके टॉप कवर इतना आता है, तो उसी हिसाब से मैंने अपना फ़िल्टर बनाया कि वो टॉप कवर के अंदर फिक्स हो जाए। आपको उसी हिसाब से उसकी हाइट लेनी है कि 5 inch में आ रहा है, 4 inch में आ रहा है, 6 inch में आ रहा है, कितनी हाइट है आपके टॉप कवर की। मैं भी आपको रख के इस पर समझाता हूँ कि किस तरह से लगाए। तो आपको इस तरह से सपोर्ट लगानी है, कोई
जैसे देखिए ये मेरी DIY लाइट है, ये भी मैंने बनाई थी करीबन 3 साल से, मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने इसकी वीडियो देखी तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किस तरह से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 2 सपोर्ट लगवाने हैं, अदर के बिना DIY ओवरहेड सन फिल्टर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, आपको इस तरह के लगाने पड़ेंगे। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि 8 mm के रहें, क्योंकि हमारा जो ये DIY ओवर सन फिल्टर है ये कांच का है, जिसकी वजह से इसमें लोड है और पानी भरने के बाद इसमें और ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो इस वजह से आप 8 mm की मिनिमम रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतले कांच करके हो सकता है वो टूट भी जाए इसके प्रेशर से। आपके टैंक की डायमेंशन दूसरी होगी कि मान लीजिए आपका 5 फीट का टैंक है, 4 फीट का, 3 फीट का, तो आप उसी हिसाब से ओवरहेड सन फिल्टर बनाएंगे और उसी हिसाब से उसका वजन भी भारी होगा। तो उसी हिसाब तो इसीलिए आपको ये कम से कम 8 mm रखने, अगर 10 mm रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब अपना फिल्टर रखते हैं, आपको ये इस तरह से रखना है, मैं भी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और इस लाइट को मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा यूनिक लुक लगेगा इसका। अब हम यहाँ पे प्लम्बिंग करेंगे, पहले हम अपना स्पंज फिल्टर निकाल देते हैं जो कि हमने टेम्परेरी लगाया था, फिर हम इस पंप को इंस्टॉल करेंगे। आप अगर आप सैंड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सैंड वगैरह ना सक कर ले, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि सैंड के साथ इस फिल्टर को किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि ये जो मोटर है इसकी ये सैंड को सक कर सकती है। तो उसे किसी हाइट की जगह पर रखिएगा, चारों तरफ पत्थरों की बाउंड्री कर दीजिएगा जिससे कि सैंड कॉन्टैक्ट में ना आ सके इसके। इसके बाद ये पोर्शन हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, आपको आप इसे मन चाहे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, चाहे इस तरीके से जहाँ भी आपको घुमाना चाहे आप वहाँ से घुमा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा पाइप बड़ा है, मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसे काट लूँगा, इतना पाइप ही काटना पड़ेगा हमें। इसमें इस तरह से आपको इसे लगा देना, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये सेटअप कर देना, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये हमारा ऊपर की तरफ है, जब आपको इसे कंट्रोल करना हो तो इसे घुमा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से इसमें कंट्रोल, देखिए इसमें लग के पुट होके ये नीचे इसका पंप, इस तरह से आपको ये कनेक्ट करना है। इसके बाद वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से देन सेरेमिक रिंग में और बायोबॉल से और स्पंज से होते हुए फिर यहाँ से ये आउट होगा ऊपर को, यहाँ से फिर आएगा, यहाँ फिर फिल्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ पे तो पूरा मैकेनिकल मीडिया के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद यहाँ से वाटर रिलीज़ करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए वाटर फिल हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स वाटर यहाँ से पास आउट हुआ, यहाँ से पास आउट होने के बाद फिर ये यहाँ से आगे गया, फिर ये वाला चैम्बर हमारा फिल हुआ, इसके बाद देन आगे, फिर लास्ट वाला चैम्बर हमारा फिल हो रहा है, और ये यहाँ से ये सीधा हमारे फाइनल फिल्ट्रेशन में, यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा एक्वेरियम में। तो देखिए कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है हमारा ओवरहेड सम सिस्टम, चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ से ये पानी सक कर मोटर ऊपर को थ्रो कर रहा है, जब आप ये मोटर यूज़ कर रहे हो तो इसके चारों तरफ इस तरह से बाउंड्री कर दीजिएगा पत्थर की, जिससे कि सैंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, जिससे कॉन्टैक्ट में आने से मोटर बंद भी हो सकती है, जाम भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मोटर जाम नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आपको चारों तरफ बाउंड्री कर देनी है। इसके बाद ये ऊपर थ्रो कर रहा है, ऊपर थ्रो करने के बाद यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ से हमारे 3 सेक्शन में पानी फिल्टर होके देन वापस एक्वेरियम में रिलीज़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लुक है। मैं भी इसके ऊपर अभी आपको टॉप कवर भी रख के दिखाऊंगा, ये टॉप कवर के ऊपर पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आपको भी इसी तरह सेटअप करना है। और देखिए फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका टॉप ऑफ फिल्टर आप घर में नहीं है, या लंबे टाइम के लिए घर से गए हैं, या मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा साफ़ करने का, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये जो
ये जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं, जब ये बिल्कुल चौक हो जाएगा, यहाँ से एरिया बिल्कुल चौक हो जाएगा नीचे से, तो ये डायरेक्ट फ्लो कर देगा। देखिए यहाँ से इस वाले ग्लास से सीधा यहाँ पे ये डायरेक्ट फ्लो कर देगा, और जो यहाँ डायरेक्ट फ्लो सीधा इसमें आके गिरेगा, इसमें आके वाटर गिरेगा। तो अगर ये चौक भी हो जाता है, आप जैसे घर में नहीं है या साफ़ करना भूल गए या नहीं ध्यान दिया, तो ये डायरेक्ट फ्लो करेगा। हमारे सम सिस्टम से पानी किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आ सकता, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आएगा। तो काफ़ी यूनिक है फ्रेंड, बहुत अच्छा है। आप जैसे कि इसकी लुकिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बट मैं इसका 15 दिन के बाद ही रिव्यू करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं अभी इसके बारे में। 15 दिन के बाद रिव्यू करूँगा कि आपको ये किस लेवल का वाटर क्लियरिटी दे सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने के लिए मिनिमम टैंक साइज़ क्या होना चाहिए। इसे यूज़ करने के लिए मिनिमम टैंक साइज़ होना चाहिए 3 फीट, 3.5 फीट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट 3 फीट में ठीक रहेगा, क्योंकि 2.5 फीट तक के टैंक के लिए टॉप फिल्टर वगैरह बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर देते हैं। बट अगर आपका 3 फीट है या उससे अबव है, तो आप इस टाइप का फिल्टर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 3 फीट से लेके उससे आगे तक के एक्वेरियम के लिए बना सकते हैं, बस आपको इसकी डायमेंशन बड़ी करनी होगी। अगर आप बड़े एक्वेरियम बना रहे हैं, आप 5-6 फीट तक इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। उस अगर 5-6 फीट से ज़्यादा का आपका टैंक है, तो आपको एक बड़ा सम सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि एक्वेरियम के नीचे लगता है इस जगह पे। मैं वो भी बहुत जल्दी असेंबल करूँगा, आप सबको उसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारी वीडियोज़ बैक टू बैक आने वाली है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसे किस टाइप के टैंकों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे प्लांटेड टैंक में यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश वाटर टैंक में यूज़ कर सकते हैं। मरीन टैंक में इसे प्लीज़ यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें एक स्कीमर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे पार्टीशन बहुत ही छोटे हैं। जो मरीन टैंक का स्कीमर आता है, वो यहाँ पे नहीं वर्क कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ा होता है। तो ओवरहेड सन सिस्टम के साथ मरीन टैंक में सेटअप करने की कोशिश मत करिएगा फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ प्लांटेड टैंक और फ्रेश वाटर। आप कहेंगे कि प्लांटेड टैंक के हिसाब से तो इसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, इसके फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हमने ये लगाया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे करके देखिए, ये आपको इस तरह से मूव करना है, ये देखिए, और वहाँ देखिए पानी कम होता चला जाएगा। देखिए आप इसे अगर पूरी तरह से बंद भी कर देंगे, तो बंद भी हो जाएगा पानी। ये देखिए पानी पूरी तरह से बंद भी हो गया है, हमारे फ़िल्टर में पानी ऐड नहीं हो रहा है, फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी पानी बिल्कुल स्लो हो गया और बंद हो चुका है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किस प्रेशर में पानी चाहिए, चाहे आप प्लांटेड टैंक यूज़ कर रहे हो, टेट्रा फिशेस का टैंक यूज़ कर रहे हो, या गोल्ड फिश टैंक हो, या हो चाहे किसी भी तरीके का टैंक हो, आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं, मुझे वाटर कैपेसिटी भी हैवी चाहिए और फ्लो भी नहीं चाहिए, तो जिसे हम यहाँ से अगर उसे कंट्रोल करेंगे, तो वाटर कैपेसिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। अगर आपको कह रहे हो कि नहीं मुझे यही फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी चाहिए, तो इसके लिए आपको एक इस तरीके का पीवीसी पाइप करवाना पड़ेगा, जिससे कि फ़ोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने लगाया, फ़ोर्स डाइवर्ट हो गया। देखिए मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, फ़ोर्स डाइवर्ट हो गया। इसी तरह से आप इसमें स्प्रे बार भी लगा सकते हैं, आपको आगे वाला पाइप ही हटा के यहाँ पे स्प्रे बार अटैच कर देनी है। फ़ोर्स पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया। देखिए अगर आप प्लांटेड टैंक यूज़ कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। छोटी फिशेज में यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हर तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना टॉप कवर लगा दिया है, बिल्कुल हाइड हो चुका है फ़िल्टर, और देखिए कितनी प्यारी लुकिंग आ रही है। मैं आपको एक बार टॉप कवर खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर सम सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से जो मैंने इसकी हाइट ली है, ये इसी के अकॉर्डिंग ये जितनी मेरे टॉप कवर की हाइट है मेरे एक्वेरियम ग्लास से, इसी हिसाब से मैंने इसकी हाइट डिसाइड करी है। तो मैं एक बार आपको बाहर से दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, देखिए कि अंदर सम सिस्टम है, कोई कह नहीं सकता है कि आपने ओवरहेड सम सिस्टम लगा रखा है, कहीं से दिख नहीं रहा है। और देखिए कितनी प्यारी लुकिंग लग रही है, और वाटर भी देखिए कितनी जल्दी क्लीन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए तो इसी तरह से आप इसे टॉप कवर के अंदर सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ओवरहेड सम फिल्टर का सेटअप कर सकते हैं। हमारे ओवरहेड सम फिल्टर के प्राइस के ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए वीडियो हमें यहीं स्टॉप करनी पड़ रही है। जिस वीडियो में अपने ओवरहेड सम फिल्टर का रिव्यू करूंगा, उसी वीडियो में इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ओवरहेड सम सिस्टम कैसा लगा, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो और लाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।